कि जो चाइनीज एंबेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फायदा ही कोई नहीं याद रखना तारीख सास शख्सियत हो सकती है सदी मोदी पाकिस्तान इतने कमजोर नहीं है पाकिस्तान एटम बम बना सकता है पाकिस्तान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता इस कौम को इतना और मोदी बंदे की नए नए जबरदस्त किस्म का बंदा जनाब मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है फॉरेन एयरलाइंस में आपकी अपनी एयरलाइन आपकी इज्जत नहीं करती स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने कोट किया था उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ है तो मोस्को है तो पुटिन का यार नरेंद्र मोदी लेकिन ये सिर्फ मोदी कर सकता है उसके सामने बैठ के और कोई नहीं कर सकता मैं मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहां पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है और ये गलती क्या है ये हम, हम लोगों की अपनी है मेरे स्कूल के अंदर मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज़्ज़त नहीं की जाती नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी लीडर नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी वजह यह है कि अभी कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रशिया विजिट किया वो सब कुछ किया पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से हाहाकार मच गया कि मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं अब मोदी जी ने फिर से एक बार पूरी दुनिया को चौंका दिया है उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगले महीने जो है ना यूक्रेन दौरे पर भी जा रहे हैं तो अब इसकी तारीफ जो है ना पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जमकर की जा रही है कि इसे कहते हैं फॉरन पॉलिसी तो वीडियो मजेदार होगी पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद आ, कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न आ, पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जब भी डाली ये किया वो किया लेकिन ऑन द मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी रखता है जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते अब एक मैसेज पुटेन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टुकिल नहीं दे रहे दिस इज अ मैसेज ऑन द कंट्रेरी इज अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुटिन द वे यू आर सेइंग हम पुटिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं हमारे बायलैटरल ताल्लुत रशिया के साथ ज़रूर मौजूद हैं जो पिछले सेवेंटी सिक्स ईयरस से मौजूद हैं और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे वी स्टैंड विद द प्रेजिडेंट जलेंसकी अब हुआ क्या था कि जब प्रेजिडेंट जलेंसकी ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुटन से जपी डाली तो जलेंसकी ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं और आज ही जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है आज ही हुआ है बड़ा दुख हुआ है बड़ी तकलीफ हुई है ये हुआ है आई देखिये दिस इज इंडिया इज रेलिवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ये रेलिवेंस होती है ठीक है इमरान खान साहब चले गए थे ना आज अब जिस दिन जंग शुरू हुई तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने मैं मुझे याद है आई थिंक इट वॉज फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी

Because that was not a news for them, but if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. America a comprehensive global strategic partnership. Russia says our partnership. India, so we'll they will Zelensky. Practically, Zelensky is But India wants to establish its credentials because in coming years there could be a pressure on Prime Minister Modi that look. You went to a warmonger. You went to an aggressor. You went to a country which violates international law. You went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and and now he will say, look, I have bilateral relations with every country. I have, okay, so I have high level relations so with every country. दोवल साहब जो हैं भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं इट मींस ये इसके ये, इससे एक ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया है उसकी वजह से दैट इज़ ऑल्सो एन एंगल बट द प्राइमरी एंगल इज़ कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बात चल रही थी

नहीं 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 नरेंद्र मोदी जो है उसने तो पोटेंट के सामने खड़ा होकर कहा कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं देखे अमरीकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की दैट इज कि आप जो है वो गवाही दें किसी बंदे की नए 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 जबरदस्त किस्म का बंदा है जनाबियत ठीक है उनके पुराने ताल्लुक है लेकिन बड़ा जबरदस्त किस्म का बंदा सो ये मुझे ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया जो है उसने यूक्रेन का दौरा किया तमाम वेस्टर्न लीडर्स ने ठीक है जी प्रेसिडेंट बाइडेन भी गए जर्मन चांसलर भी गए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी गे। सब गए वहां पे ठीक है लेकिन मोदी साहब जो है उन्होंने कहा जी तुम गए तो अभी भी गए हम वी वी वेंट टू सी जेलेंस्की टू गिव हिम सपोर्ट लेकिन लेकिन क्या जेलेंस्की कहेगा अब देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहती है Western world कहती पायन आप सारे पैसे देते हैं रशिया को आप जब रशिया को पैसे देते हैं माल पानी लगाते हैं तेल खरीदते हैं तेल खरीदते हैं उसके पास पैसे आ जाते हैं सारी दुनिया की इकोनॉमी है खराब है रशिया की इकोनॉमी ठीक है वाई सारी दुनिया की इकोनॉमी खराब है रशिया की इकोनॉमी ठीक है बिकॉज ऑफ इंडिया तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा को सुना है वो जिस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं वो न्यूज़ यही है कि अगले आने वाले महीनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूक्रेन को विजिट करने वाले हैं अभी कुछ समय पहले उन्होंने रूस को विजिट किया और जो जिस तरीके से प्लान किया गया था उसी प्रकार से वो दौरा रहा खूब मिलजुल कर जो है ना वो सारी तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस प्रकार का वो दौरा रहा उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से और दुनिया की तरफ से जो है ना कुछ बातें भी निकल कर सामने आई जहाँ पर भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद अब जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना यूक्रेन को भी विजिट करने वाले और इस फैसले जो से जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूस विजिट को क्रिटिसाइज कर रहे थे उन सब के जीवन पर ताले लग जाएंगे क्योंकि अब वो यूक्रेन जा रहे हैं यूक्रेन में जाकर भी बातचीत करेंगे वहाँ के जो प्रेजिडेंट है जेलेंस्की उनके साथ बैठ बातचीत होगी ओबियसली बात है जंग को लेकर भी बातचीत होगी तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है ना वो है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर बातचीत की जा रही है कि इसे कहते हैं आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कि आपके देश के हित में जो भी हैं वो आप करते रहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन काम वही होगा जो आपके देश के हित में देश की जनता के हित में होगा और वही इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद